हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे थे और ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर पढ़ने जा रहे थे, ठीक है, सॉरी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आज स्पेशली एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है या जीवों में जनन जिसे बोला जाता है हिंदी में, तो उसमें जो एनसीईआरटी में आपके लास्ट पेजेस में एनसीईआरटी के मतलब फर्स्ट चैप्टर के जो लास्ट पेजेस हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं या क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर तो नहीं दिए गए, क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके सॉल्यूशंस पर हम बात करने वाले हैं, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हम सॉल्यूशंस जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशंस आज हम देखने वाले हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जनन किसे कहते हैं, ठीक है, जनन किसे कहते हैं। तो भाई कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिंपली क्या है आपको एक डेफिनेशन बतानी है, वो किस चीज़ की डेफिनेशन बतानी है, प्रजनन की या रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बतानी है। आपसे बुक में क्या पूछा गया है कि जनन किसे बोलते हैं या जनन किसे कहते हैं, बस उसके बारे में बताना है। तो भाई जनन कुछ नहीं है, जनन एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम है, ठीक है, जिसमें एक छोटा जीव अपने समान एक छोटे जीव को जन्म देता है। मतलब कि एक जीव, सॉरी छोटा जीव नहीं, एक जीव छोटा हो या बड़ा कोई सा भी हो, एक जीव क्या करता है, अपने समान नई संतति को जन्म देता है या अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार जीव क्या करता है, अपनी प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखते हैं, या इनमें जो है रिप्रोडक्शन के द्वारा निरंतरता बनी रहती है। मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ ज़्यादा पड़ जाती है, कि क्या होता है कि एक जीव अपनी प्रजाति को कैसे बनाए रखेगा, ठीक है, उसी के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए ही जो है प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद इस क्रिया द्वारा जीव अपने आनुवांशिक पदार्थ को, आनुवांशिक पदार्थ मतलब आरएनए डीएनए, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ को नई पीढ़ी में स्थानांतरित करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं, अपनी नई पीढ़ी में जो है स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर करते जाते हैं, जिससे नवजात संतियां आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती हैं। मतलब कि कोई चूहा है तो चूहे का बच्चा भी चूहा ही होगा, ठीक है, कोई मान लो ह्यूमन है या इंसान है तो उसका बेबी इंसान होगा, ना कि ह्यूमन का बेबी चूहा नहीं हो सकता, ठीक है, आ रहा समझ में, या चूहे का बेबी इंसान या ह्यूमन नहीं हो सकता, ठीक है, आ रहा समझ में। बस यही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो कि अगर पूछी जाए आपसे तो आप ये लिख कर आ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सीधा सा आपके सामने आ गया है। इस चैप्टर में आप सबको पता है कि प्रजनन के कितने टाइप्स होते हैं, प्रजनन के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार से प्रजनन किया जाता है, एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो यहाँ इसके दो टाइप हैं, तो इसमें सिर्फ इनकी डेफिनेशन बताना है कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है और अलैंगिक प्रजनन जो है क्या होता है, ठीक है। लैंगिक अलैंगिक प्रजनन की सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो भाई अलैंगिक जनन वे प्रक्रिया है जिसमें एक ही जीव द्वारा नई संतति उत्पन्न की जा सकती है। अलैंगिक प्रजनन क्या है, अलैंगिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही जीव क्या करता है, अपने समान नई संतति उत्पन्न कर सकता है या अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस जनन में बिना निषेचन के, इसका स्पेशल पॉइंट ये है कि इसमें बिना निषेचन के ही जो है जीव पैदा हो जाता है, या जीव की उत्पत्ति जो है एक जीव द्वारा बिना निषेचन की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इसके द्वारा बनने वाली संतति आनुवांशिक रूप से क्या होती है, अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। इस जनन द्वारा जो नई संतति उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने पेरेंट की जैसी होती है, आकार संरचना एवं लक्षणों में भी ये बिल्कुल अपने जनक की क्या होती है, समान होती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतति को क्लोन कहते हैं। भाई ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है आपके सामने, जो
आलिंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है, आलिंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो हुबहू अपने पेरेंट के समान होती है, और ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, ऐसे जीव को क्लोन कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखो आलैंगिक प्रजनन किन में देखा जाता है, ब्रायोफाइट्स, शैवालों और कवकों में ये प्रजनन पाया जाता है। मतलब कि ब्रायोफाइट्स, शैवाल और कवक इसी मेथड से या इसी विधि द्वारा, आलैंगिक जनन द्वारा ही क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है वहाँ खत्म नहीं हुआ था, अभी सिर्फ हमने आलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, अब हम लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रजनन के दो टाइप्स होते हैं, एक आलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है, तो हम लैंगिक जनन के बारे में अब बात करेंगे। प्रजनन की वह विधि, प्रजनन की कौन सी वह विधि जिसमें नर तथा मादा युग्मक विभिन्न जनन अंगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब कि एक नर होता है और एक मादा होता है जो अपने जनन अंगों द्वारा युग्मकों का निर्माण करते हैं। इन युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, इन युग्मक मतलब कि नर युग्म और मादा क्या करते हैं, युग्मकों का निर्माण कर देते हैं, और इन युग्मकों के मिलने से क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तथा युग्मनज द्वारा एक नया जीव विकसित होता है। मतलब यही युग्मनज आगे वृद्धि करके एक नए जीव का रूप ले लेता है, विकसित होता है। ठीक है, लैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वे अपने जनक के स्वरूप नहीं होती। मतलब कि आप सभी जानते हैं कि नर अलग युग्मक बनाता है और मादा अलग, तो इसमें आधा जो है डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ नर से मिलता है और आधा जो है मादा से मिलता है। इसके द्वारा जो युग्मनज बनता है तो जाहिर है वो ना तो बिल्कुल अपने पापा के समान होगा, बिल्कुल ना मम्मी के समान, दोनों से मिलता जुलता होगा। तो इस हिसाब से यहाँ बताया गया है कि ये जो है अपने पेरेंट के जनक के स्वरूप या समरूप नहीं होती है। ठीक है, नहीं होते जो संतति बनती है। अब देखो लैंगिक जनन अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी और उभयचर सरीसृप पक्षी वर्ग तथा स्तनधारियों में होता है। मतलब जो भी बड़े तबके के या बड़े जीव जंतु पृथ्वी पर विद्यमान है उन सभी में क्या देखा जाता है, लैंगिक जनन ही देखा जाता है, या लैंगिक जनन की विधि द्वारा ही ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं और अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ हमारा जो है चैप्टर क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका आंसर। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखो अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे इन्होंने क्या पूछा है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जो प्रजनन जो है अनिवार्य होता है, यह बहुत जरूरी होता है। अब आगे इसका उत्तर सीधा सीधा हम देख लेते हैं, इसका आंसर, जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। हाँ ठीक है, प्रत्येक जीव केवल कुछ समय तक ही जीवित रह सकता है। हाँ सही बात है, कोई भी जीव क्या होता है, पैदा होता है, पैदा होने के बाद एक अपना काल कंप्लीट करता है, मतलब एक साइकिल जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसके बाद उसकी डेड हो जाती है, मतलब वो मर जाता है। जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। मतलब ये जो पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है या लाइफ स्पैन जिसे बोलते हैं, तो उस वो क्या करता है, अपनी जो जीवन अवधि होती है उसे कंप्लीट करता है। ठीक है, और ये जीवन अवधि कहलाता है, मतलब कि जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के काल को क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। जनन के द्वारा जीव अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। हाँ सही बात है, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए ही जनन होता है। इसके लिए वे जनन द्वारा अपनी नए संतति उत्पन्न करते हैं, इस कारण जीवों के लिए जनन अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा आंसर है इसका, और बहुत अच्छी लैंग्वेज में भी है, मतलब सिंपल है। अब हम चलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसका आंसर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है इसमें, जनन की अच्छी विधि कौन सी है। अच्छा जवाब दो, कौन सी विधि अच्छी है मैं बता देती हूँ। देखो जनन की लैंगिक विधि जो है उसी को क्या माना गया है, अच्छा माना गया है, क्योंकि लैंगिक जनन दो अलग अलग जनकों द्वारा युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो अलग अलग जनकों द्वारा युग्मक क्या है उत्पन्न किए जाते हैं एवं इनके संलयन से नई संतति उत्पन्न होती है। इनके संलयन से मतलब इनके मिलने से क्या होता है, नई संतति उत्पन्न होती है। संलयन के फलस्वरूप भिन्नताएं पैदा होती हैं। जाहिर है दो जीव अलग अलग युग्मकों का निर्माण करेंगे, ठीक है, और अलग अलग युग्मकों का निर्माण करने में आधा डीएनए हमें नर से मिलेगा या हाँ नर कह सकते हैं, नर से मिलेगा या आधा डीएनए मादा से मिलेगा या आनुवंशिक पदार्थ मिलेगा। तो इसमें कुछ तो वेरिएशन, कुछ तो भिन्नताएं आएंगी। तो जो संतति बनती है उनमें संलयन के फलस्वरूप जब ये मिलते हैं तो क्या होता है कि कुछ भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं जो जीव के अनुकूलन तथा विकास में सहायता करती हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव में तीव्र अनुकूलन की क्षमता होती है, मतलब कि ये ज़्यादा सक्षम होता है अपने पर्यावरण के हिसाब से जीवित रहने के लिए, या इसमें ज़्यादा क्षमताएं होती हैं क्योंकि इनके जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उसमें कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं जिसकी वजह से ज़्यादा ये अनुकूलित हो जाते हैं या अपने विकास जो उनका विकास होता है उसमें ये जो भिन्नताएँ होती हैं उन्हें सहायता करती हैं जीवित रहने के लिए। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जल्दी से दिखा दो। अरे ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्या है। देखो लैंगिक जनन के द्वारा बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते ही क्यों क्यों ये कथन हमेशा सही होगा। चलो आंसर देखते हैं अपन, ये रहा इसका आंसर। लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनक भाग लेते हैं, ठीक है, दो अलग अलग जनकों ने भाग ले लिया। इसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, इसके पश्चात युग्मकों का संलयन होता है जिससे युग्मनज बनता है। इस प्रकार लैंगिक अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, सॉरी अलैंगिक नहीं लैंगिक जनन है, ठीक है। इस प्रकार लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे आनुवांशिक पदार्थ में जीन विनिमय या यादृच्छिक पृथक्करण होता है, ठीक है, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर या यादृच्छिक पृथक्करण होता है। इसके फलस्वरूप भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं, मतलब कि उनके अंदर कुछ वेरिएशन, कुछ अलग भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं जो जीव के अनुकूलन तथा विकास में सहायक होती हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मनज तथा भ्रूण पूर्ण सुरक्षित होता है जिससे उत्तर जीविता के अच्छे अवसर होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लैंगिक विधि होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक। अब हम हमारा ये जो आंसर है समझ में आगे होगा, हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसकी सारी सभी की जो लैंग्वेज है बहुत ईजी दी गई है, अगर आप एक क्वेश्चन भी देखते हो और उसमें से दो तीन क्वेश्चन भी याद कर लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। बस आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, किसमें कौन सा जो है कौन सा विभाजन चल रहा होता है, लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन चलता है, अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन चलता है, ठीक है। बस इतना छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो अगर आप इस चैप्टर की कुछ कुछ पॉइंट्स याद रख लोगे तो आपको सारे जो क्वेश्चन है बहुत इजीली बन जाएंगे। अब ये आगे हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानने तथा लिखें, पहचाने तथा लिखें कि वे अगुणित है या द्विगुणित, मतलब कि हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। देखें अंडाशय, ठीक है, अंडाशय ये किन में होता है, ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है या मादा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब भाई अंडाशय में इन्होंने पूछा है, अंडाशय मतलब इन्होंने पूछा था कि कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, भाई वो शरीर का भाग है और शरीर का कोई भाग अगर बनता है या उसको बनाया गया है या हमारे शरीर की वृद्धि द्वारा वो बना है तो उसमें क्या
कौन सी कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं होंगी, 2N या द्विगुणित कोशिकाएं ही मिलेंगी, क्योंकि आगुणित कोशिकाएं सिर्फ युग्मकों के निर्माण के लिए बनती हैं। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम पराग कोष, तो वो भी क्या है भाई, फूल का भाग है, फूल का भाग है, और फूल का कोई भी भाग हो, रुक जाए फूल अच्छे से बना देती हूँ मैं, क्या है ये फूल का भाग है पराग कोष, ये पराग, ये फूल होता है, फूल पे यहाँ पे ये ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, अंडाशय जिसे बोलते हैं, कि यहाँ पे आ गया ये आपका ये पराग कोष, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका पराग कोष। तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि पराग कोष या फूल का कोई भी भाग जो है, कोई भी जीव हो, जीवित जीव है उसका, अगर जिसम का कोई भाग है, शरीर का कोई भाग है, तो भाई उनके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 2N सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पराग कोष के अंदर जो है, अंदर जो है युग्मकों के निर्माण के लिए कौन सी सेल बन रही होंगी, हैप्लॉइड सेल या N सेल, या आगुणित सेल कह सकते हैं आप, वो बन रही होंगी, लेकिन पराग कोष के अंदर तो 2N सेल ही होती हैं। ठीक है, मतलब पराग कोष किन सेल्स से बनता है, 2N सेल या डिप्लॉइड सेल ही प्रेजेंट होती है पराग कोष के शरीर को बनाने, मतलब पराग कोष, हाँ शरीर कह सकते हैं, पराग कोष को बनाने के लिए 2N सेल ही प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे हम, आगे चलते हैं, अब आ गया हमारा अंड, अंड, ठीक है, अंड भाई मादा युग्मक होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक मादा युग्मक होता है, और मैंने आपको पहले बताया कि युग्मक के निर्माण में, या युग्मक क्या होता है, युग्मक एक हैप्लॉइड सेल होती है, ठीक है, या इसको आगुणित बोल सकते हैं, तो जाहिर है कि अंड कौन सी सेल है, आगुणित सेल है। ठीक है, अब देखो आगे पराग, पोलन ग्रेन या पराग कह लो भाई, अभी मैंने बताया था ये फिलामेंट हो गया आपका, ये हो गया आपका पराग कोष, ठीक है, अब मैंने बताया था इसके शरीर को, इसके ढांचे को बनाने के लिए, पराग कोष का जो ऊपर के लेयर है, सब कुछ बनाने के लिए, इसका, इसकी स्ट्रक्चर बनाने में कौन सी यूज होती है, 2N सेल लगती हैं, यूज नहीं होती, क्योंकि सर 2N सेल द्वारा से ही इनका क्या होता है, ऊपर का शरीर बना होता है। अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है, युग्मक बन रहे हैं, अब युग्मक बन रहे हैं, युग्मकों को क्या बोलते हैं, पराग बोलते हैं, तो भाई हर युग्मक, कोई भी युग्मक हो, वो युग्मक क्या होता है, एक हैप्लोइड सेल होती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो किसी भी जीव का शरीर होता है, उसकी पूरे शरीर के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, 2N सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि अगर युग्मक की बात हम करेंगे तो युग्मक हमेशा हैप्लोइड ही होता है, कहीं डिप्लोइड नहीं मिलेगा, और अंड और पराग क्या है हमारे, युग्मक हैं, क्या है, युग्मक हैं। तो इसलिए ये हैप्लोइड हैं, आगे समझने, अब देखो अब हम आगे बढ़ेंगे, नर युग्मक, अब इसमें डायरेक्टली युग्मक ही बोल दिया गया है, तो भैया हमें तो पता ही, अभी हम इतनी रामायण पढ़ के बैठे हैं इतनी सारी, तो ये हो गया नर युग्मक, हैप्लॉइड सेल या आगुणित सेल। ठीक है, अब आ गए युग्मनज, तो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये हो गया मादा, ये हो गया नर, ये दोनों क्या करते हैं, अपने युग्मक बनाते हैं, ठीक है, युग्मक बनाते हैं, और इन युग्मकों के संलयन से, संलयन, संलयन से क्या होता है कि युग्मनज बनता है। ठीक है, अब जाहिर है कि अगर ये हैप्लोइड है या आगुणित है दोनों, तो इन दोनों के मिलने से 2N सेल बनेगी या नहीं बनेगी, मतलब द्विगुणित सेल बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, तो ये युग्मनज क्या होता है, एक 2N सेल होती है जो आगुणित आगुणित युग्मकों के मिलने से बनती है। आप रहे समझ में, तो आप इतना आपको क्लियर रखना, याद रखना है कि अंडाशय जो होता है वो द्विगुणित होता है, पराकोष जो होता है वो द्विगुणित होता है, अंड जो होता है आगुणित होता है, पराग जो होता है वो आगुणित होता है, नर युग्मक आगुणित और युग्मनज द्विगुणित होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से समझे उसे तो। देखो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, चलो चलो चलो, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है देखो, ये हमारे आगे, हाँ तो हम आ गए थे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए, विभेद मतलब भाई कुछ नहीं, अंतर,
कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है? क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन, हम आंसर देखेंगे सीधे इसका। तो भाई देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो आप, तो यहाँ ये एक जीव द्वारा होता है अलैंगिक जनन। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक जीव द्वारा जनन किया जाता है और इसको अलैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, लैंगिक जनन में ये दो जीवों द्वारा संपन्न होता है। हाँ, जाहिर है दो जीवों द्वारा ही संपन्न होगा, क्योंकि इसमें युग्मकों का निर्माण करना पड़ता है। भाई कितनी खराब प्रसव कर युग्मक मुग्मक बनते, क्या क्या होता है, ठीक है। देख, अलैंगिक प्रजनन जो होता है वह एक जीव द्वारा होता है, जबकि जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो जीव योगदान करते हैं या दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मतलब साथ में मिलकर युग्मकों का निर्माण करते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया, इसमें जनन तीव्र गति से होता है। मतलब हाँ सही बात है भाई, एक सेल है, सेल डिवाइड हो जाएगी और दो सेल का निर्माण कर लेगी, तो ये ज़्यादा इजी मेथड है, या फिर युग्मक मुग्मक बनेंगे तब जाके जो है प्रजनन होगा। तो इस हिसाब से लैंगिक जनन जो होता है वो धीमी गति से होता है, क्योंकि इसमें बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। इसके बाद आगे, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता। हाँ, ये मेन पॉइंट है कि इसमें युग्मक का कहीं कोई निर्माण नहीं होता, कहीं इसका इसमें युग्मक का कोई नाम नहीं होता। इसके बाद लैंगिक जनन में आ जाता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। ये तीन पॉइंट क्लियर हो गए, हम बहुत इजी पॉइंट्स हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम। फोर्थ में क्या है, इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा नई संतति पैदा की जाती है। ये बहुत स्पेशल पॉइंट है अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन का क्या है, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है कि इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होती है, नई संतति उत्पन्न होती है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। बेटा, अर्धसूत्री विभाजन की वजह से ही क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल बनती है। सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन इतनी बड़ी भूमिका निभाता है कि वो एक युग्मक का निर्माण करता है, और ऐसे युग्मक ऐसी सेल को का निर्माण करता है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन में ऐसी सेल बनती है जो हैप्लॉइड होती है, मतलब आगुणित होती है, ठीक है। युग्मकों का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। इसके बाद आ गया, नई संतति पैदा की जाती है। समसूत्री विभाजन द्वारा नई संतति पैदा की जाती है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पहले युग्मकों का निर्माण होता है, उसके बाद संतति पैदा होती है। इसमें अब देखो, पांचवा आ गया हमारा पॉइंट, फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है, इसमें जनन अंगों का निर्माण नहीं होता। मतलब कि यहाँ जनन अंगों का निर्माण की बात नहीं करेंगे, बात आती है जनन अंग होते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, या फिर जनन अंग होते ही नहीं हैं। इसके बाद आ गया फिफ्थ, इसमें अलैंगिक जनन में, तो यहाँ जनन अंगों का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब जनन अंगों के अंदर ही जो है ये युग्मकों का निर्माण होता है, और जनन अंग नहीं होंगे तो लैंगिक जनन नहीं हो सकता। इसके बाद सिक्स पॉइंट आता है, इसमें संतति अपने जनक के समरूप होती है। हाँ भाई, बहुत अच्छे से पता है हमें कि इसमें जन जो संतति होती है वो अपने जनक के बिल्कुल हूबहू होती है, और उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको क्लोन बोलते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था अभी शायद, हाँ, कि इसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। जो अलैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने पेरेंट जैसी होती है, ठीक है, बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होती है, हर चीज़ में वो अपने पेरेंट जैसी होती है, ठीक है। और ऐसे जीव को या ऐसी संतति को क्या बोला जाता है, ऐसे जीव को क्लोन या क्लोन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, सिक्स नंबर का पॉइंट, हाँ, लैंगिक प्रजनन में देखते हैं हम, इसमें संतति जनक के समरूप नहीं होती। हाँ, नहीं होती, क्योंकि देखो आनुवंशिक रूप से भी भिन्न होती। हाँ भाई, क्योंकि भाई दो लोगों का अलग अलग आनुवंशिक पदार्थ मिलता है तब जाके एक जीव बनता है, तो बिल्कुल हूबहू समान कैसे हो सकते हैं। कोई भी बच्चा बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा नहीं होता, या कोई भी बेबी बिल्कुल अपने पापा जैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो सकता है, इस हिसाब से समान नहीं होती। जबकि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में क्या होता है, बिल्कुल समान होती है, और ऐसे जीव को क्या बोला जाता है, क्लोन बोला जाता है। आगे आगे देखो, इसमें क्या लिखा है, पुष्पी पादपों में क्या होता है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है और बीजाणु परिपक्व होकर बीज बन जाता है। मतलब कि जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है फूलों के अंदर, ठीक है,
उसके बाद जब ये लीव्स वगैरह झड़ जाती है, सब गिर जाती है, तो सिर्फ ओवरी ओवरी बचती है। जब इनका निषेचन हो जाता है, जब पराग आ जाता है और सब हो जाता है निषेचन वगैरह, तब जो बीजंड होता है वो क्या बन जाता है, वो बीज बन जाता है। बीज क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। और जो ओवरी होती है बाहर का उसका एरिया होता है, जो अंडाशय होता है, ये फूला हुआ एरिया जो दिखता है हमें, वो क्या बन जाता है, वो फल में विकसित हो जाता है। अब देखो, अब हम ये हमारा जो यहाँ क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। कायिक जनन भी तो पूछा था उसमें। अब कायिक जनन के बारे में देखो, कायिक जनन को प्रारूपिक आलैंगिक जनन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक जनक द्वारा संतति उत्पन्न की जाती है। जो संतति उत्पन्न होती है वे आकार की लक्षणों और आनुवांशिक गुणों में जनक के समान होती है। इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा ही नया जीव उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कायिक जनन को क्या बोलते हैं, प्रारूपिक आलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें कायिक जनन कुछ नहीं है, कायिक जनन एक तरह से आलैंगिक जनन ही तो है, क्योंकि इसमें युग्मक नहीं बन रहे हैं, इसमें उसके प्लांट के एक पार्ट निकाल लिया जाता है, उससे ही नई संतति बना दी जाती है। तो कहाँ इसमें युग्मक बन रहे हैं या अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, इसमें तो समसूत्री विभाजन ही चल रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रारूपिक आलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। आप ज़रूर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से आ जाओ, देखना है क्या है, क्या नया क्वेश्चन आ गया। अरे क्या गया, ये आ गया। देखो व्याख्या करें, अब आप व्याख्या करें, पहले इनको बताएं, इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है इन्होंने, किशोर चरण बताएं इन्हें पहले, उसके बाद प्रजनक चरण भी बता दें और जीर्णता चरण भी बता दें, क्या होता है भैया। देखो जीवन चक्र विभिन्न अवस्थाएं, मतलब जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं हैं बेटा, ये क्या है, जीवन चक्र की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है आपकी किशोर अवस्था, दूसरी होती है वयस्कता और तीसरी होती है जीर्ण अवस्था। हम अब इसको थोड़ा बड़ा करके बताओ, अच्छे से देखेंगे इसको हम। ठीक है, तो ये क्या क्या होती हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, किशोर अवस्था की। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, फिर अपन बात करेंगे अच्छे से। जन्म के पश्चात प्रत्येक जीव अपने जीवन में वृद्धि करता है तथा परिपक्व होता है, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकता है। वृद्धि का ये काल किशोर अवस्था कहलाता है और पादप में ये काल क्या कहलाता है, कायिक अवस्था कहलाता है। किशोर अवस्था का समय काल में भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग, किशोर अवस्था का समय काल भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग होता है। देखो यार कुछ नहीं है, एक बेबी है, कोई भी एक छोटा सा बेबी ले लो आप, ये हो गया बेबी किसी, ये छोटा सा बेबी है। ठीक है, आँख अच्छे से बना दे बेबी की। देखो बेबी क्या करेगा यार, इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, इसके हाथ पैर बढ़ेंगे। ठीक है, इसका मुंह भी बड़ा होगा, मतलब उसके पूरी बॉडी बढ़ेगी। ठीक है, और ये क्या करेगा अपने जीवन में, क्या करेगा अपनी लाइफ में, थोड़ी वृद्धि करेगा, मतलब बड़ा होगा। इसी काल को क्या बोला जाता है, इसी काल को किशोर अवस्था कहते हैं। क्या को कहते हैं, किशोर अवस्था, मतलब कि एक जीव पैदा होने के बाद अपने जीवन में वृद्धि करता है, बड़ा होता है। ठीक है, और फिर परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व होने के बाद इसके पश्चात क्या होता है, लैंगिक जनन कर सकता है, मतलब किशोर अवस्था के बाद ही वो लैंगिक जनन कर सकता है। तो ये जो काल था हमारा वृद्धि वाला काल, उसी को क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था बोलते हैं। और किशोर अवस्था बेटा पादपों में क्या होता है, किशोर ह्यूमन्स में तो या जीवों में तो इसे क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था बोलते हैं, लेकिन पादपों में पौधे के बढ़ने के काल को या वृद्धि के काल को क्या बोला जाता है, कायिक अवस्था बोला जाता है। और ये जो समय काल होता है हर जीव की अपनी आयु के हिसाब से होता है कि वो कितनी आयु उसकी है, मतलब हर जीव का अपना अलग
जो होता है जीवन काल होता है उसकी अलग अलग टाइम होता है किशोरावस्था के, कितने टाइम तक किशोरावस्था इसकी लाइफ की चलेगी। अब बात आ गई वयस्कता की, एडल्ट फेज। ये जीवधारी की अवस्था है, वह अवस्था है जो किशोरावस्था के बाद आती है। इसमें जीव का पूर्ण विकास हो जाता है एवं जीव के अंदर जनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था के प्रारंभिक काल को यौवन आरंभ कहते हैं। देखो देखो क्या होता है, किशोरावस्था, किशोरावस्था हो गई। किशोरावस्था के होने के बाद भाई कौन से अवस्था आती है, वयस्क अवस्था आती है। इसमें क्या हो गया, इसमें एक बेबी है छोटा सा, ठीक है। इसमें तो ये बेबी बड़ा होता है, ठीक है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। बड़ा होने के बाद ये क्या हो गया, एक अच्छा बड़ा ह्यूमन बन गया। ये क्या बना दिया, ह्यूमन नहीं लग रहा ये, रुको, ह्यूमन बनाएंगे हम अच्छे से। ये देखो, ठीक है, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अब वयस्क अवस्था आ गई। वयस्क अवस्था के बाद देखो क्या होता है, जीवधारियों की अवस्था जो किशोरावस्था के बाद आती है, इसमें जीव पूर्ण विकसित हो जाता है। देखो आपको दिख रहा होगा कि बेबी है, इसके बाद एक पूर्ण विकसित जीव बन गया। अब जीव के अंदर क्या होता है, सारे जनन अंग विकसित हो जाते हैं, मतलब पूरे जनन अंग जो होते हैं इसमें बन जाते हैं और जनन करने की क्षमता जो है इसमें विकसित हो जाती है। इस अवस्था के प्रारंभिक काल को क्या बोलते हैं, यौवन आरंभ बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब ये अवस्था शुरू होती है तो उस काल को क्या बोला जाता है, यौवन आरंभ बोला जाता है। अब देखो बहुत फनी फनी बातें हो गई, अब अपन आगे बढ़ेंगे, चलो अब हटा दो इन्हें, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब हमारी थर्ड फेज बची है, थर्ड फेज को क्या बोलते हैं, जीर्ण अवस्था बोलते हैं। जीर्ण अवस्था बोलते हैं, जीर्ण अवस्था कुछ नहीं भाई, बुढ़ापा बोल सकते हैं इसे। देखो प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्ण या वृद्धावस्था का आरंभ माना जाता है। इस अवस्था में शरीर की उपापचय की दर कम हो जाती है। भाई आप अपने अपने दादा दादी नाना नानी को देखा होगा, वो भी किस दौर से गुजरे, वो भी बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद वो थोड़े बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनकी शादी हो गई, उन्होंने अपनी नई संतति पैदा की, उसके बाद क्या हुआ, वो किस जगह चल गया, वो जीर्ण अवस्था में आ चुके हैं, मतलब बुढ़ापे में आ चुके हैं। मतलब अब बुढ़ापा आ गया उनमें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई उनके बीमार रहते हैं, ठीक है, खाना ठीक से नहीं खिलता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बस शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो इसी काल को क्या बोलते हैं, जीर्णावस्था बोलते हैं। और इस काल में क्या होता है, शरीर के उपापचय की दर कम हो जाती है, मतलब उनकी बॉडी पार्ट का काम करना कम, उतनी क्षमता नहीं बचती है उनमें, ठीक है। इस अवस्था में समय के साथ साथ शरीर के सभी अंग की कार्य क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी, इसमें क्या होता है कि शरीर की जो कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है, हमारे कंपैरिजन में वो बिल्कुल भी इस तरह से एक्टिव नहीं रहते, जबकि वो उस टाइम में अच्छे होंगे, ठीक है। और अंततः क्या हो जाती है, आखिरी टाइम आता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब पूरा शरीर जो होता है काम करने लायक नहीं बचता, या वक्त आ जाता है तो फिर इंसान मर जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिखा भाई क्या क्वेश्चन हमारा नया, ये क्या चीज़ आ गई। अब हम आगे पढ़ेंगे बाहर निषेचन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसका, जिसको क्या बाहर निषेचन के बारे में बताना है, मतलब इसकी व्याख्या करना है और उसके नुकसान भी बताना है, मतलब इसके नुकसान भी बताना है कि क्या क्या नुकसान होते हैं बाहर निषेचन से। बाहर निषेचन देखो, आप बहुत अच्छे से डायग्राम बनाने वाली हूँ मैं, पता है। बाहर निषेचन इस प्रकार का निषेचन मादा के शरीर में ना होकर बाहरी माध्यम होता है। जाहिर है भाई बाहर निषेचन की बात हो रही है तो कुछ बाहरी माध्यम का तो जिक्र होगा ही ना, क्योंकि ये बाहर निषेचन बाहर होता है, मतलब मादा के शरीर में ना होकर बाहरी माध्यम में संपन्न होता है। इसमें मादा युग्मक अधिक उत्पन्न होते हैं, मतलब कि बाहर निषेचन में आंतरिक निषेचन की तुलना में ज़्यादा युग्मकों का निर्माण करना पड़ता है जीवों को, और मादा जीव को भी जो है ज़्यादा युग्मकों का जो है निर्माण करना पड़ता है। ये निषेचन बहुधा जलीय जंतु, उभयचर जंतु तथा शैवालों में देखा जाता है, मतलब ज़्यादातर ये जनन कहाँ देखा जाता है, ये निषेचन कहाँ देखा जाता है, जलीय जंतुओं में जो जल में रहते हैं, या जल से जल के मतलब जल में रहते हैं, सॉरी
जल में रहते हैं उन्हीं जंतुओं में जो है ये जनन जो है देखा जाता है। इस निषेचन के द्वारा अधिक संख्या में संतति पैदा होती है, परंतु भक्षकों के भक्षण से ये कुछ संख्या तक ही बच पाती है। ये जीव प्रौढ़ जीव बन जाते हैं। युग्मक का संलयन होना निश्चित नहीं होता। मतलब क्या होता है कि इसमें युग्मकों का संलयन होना निश्चित नहीं होता, केवल संयोग वंश ये संभव होता है। आप देखो, मैं आपको ऐसे नहीं समझा के थोड़ा अलग तरीके से समझाती हूँ। सपोज ये आपकी हो गई तालाब या नदी। अब भाई क्या होता है, ये मम्मी मेंढक है, मम्मी मेंढक और ये पापा मेंढक। अब ये क्या अपने युग्मकों का निर्माण करेंगे? युग्मकों का इन्होंने अलग अलग निर्माण कर दिया, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का। युग्मक के बाद इनको ज़्यादा युग्मक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनको ये युग्मक पानी के अंदर छोड़ना है। जब ये पानी के अंदर छोड़ देंगे कि युग्मक तैरते छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये युग्मक तैरते तैरते एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। ठीक है, जब ये संपर्क में आएंगे एक दूसरे से टकराएंगे तब जाके एक युग्मनज बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये जो जनन वो निषेचन होता है ये संयोग वश होता है। मतलब कि इनके बस में नहीं होता कि ये युग्मकों का संलयन करवा सके या निषेचन हो जाए। ये क्या होता है, संयोग वश होता है, क्योंकि यहाँ पे संयोग से अगर युग्मक मिल गए तो जो है संलयन हो जाता है और निषेचन हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। इसलिए मादा को भी क्या है, बड़ी संख्या में युग्मकों का निर्माण करना पड़ता है और नर को भी बड़ी संख्या में युग्मकों का निर्माण करना पड़ता है। और जब ये पानी में युग्मक छोड़े जाते हैं तब वो मिलते हैं, तब जाके युग्मनज बनता है और इनकी संतति क्या होती है, पानी के अंदर ही रहती है। पा तो क्या होता है कि बड़े जीव क्या होते हैं, इनको खा लेते हैं या इनका भक्षण कर लेते हैं, मार डालते हैं, तो इनकी संतति जो है ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर इनमें जो इनकी संतति खत्म हो जाती है भक्षकों द्वारा, भक्षण हो जाता है उनका, मर जाते हैं, बड़े जीव इनको खा लेते हैं और कुछ जो बचते हैं वो प्रौढ़ जीव बन जाते हैं, बड़े जीव बन जाते हैं। सिंपल समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे चलते हैं, आप देखो, अरे वाओ कैसा क्वेश्चन आया। अपने जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन को अपनाया गया है, क्यों? क्यों बड़े जीव लाइक हम ह्यूमंस, बड़े बड़े जीव, पेड़ पौधे बड़े बड़े, ठीक है, जटिलता के बावजूद अपने जीवों में लैंगिक प्रजनन को अपनाया गया है। अब इन्होंने सीधा तो क्वेश्चन पूछ लिया तो हम इसका सीधा सा आंसर दे देंगे कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल विस्तृत एवं धीमी प्रक्रिया होती है। ये अधिक ऊर्जा व संसाधनों की भी मांग करता है, लेकिन फिर भी जटिल पादप एवं जंतुओं में इसी को अपनाया गया है या अपनाया है। संतति परस्पर तथा अपने जनक के समरूप नहीं होती, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताओं के कारण जीवधारी स्वयं को अपने वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं। विभिन्नताओं के कारण जीवों में जीवन शक्ति की वृद्धि होती है। इसके बाद विभिन्नताओं के कारण ही जीव विकास होता है, लेकिन जनन जीवधारियों को प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहने में सहायक होता है। यही कारण है कि बड़े जीवधारी ने शारीरिक जटिलता के साथ साथ लैंगिक जनन को अपनाया है। तो जहाँ तक है आज हमारे काफ़ी जो क्वेश्चन हमने जो है कवर कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको जो भी परेशानी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देन हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है फिश अकेडमी ऐप, उसे डाउनलोड करें एंड शेयर करें, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।